नमस्कार दोस्तों, आउट ऑफ होम की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको लेकर चलने वाला हूं भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और चार धामों में विशेष महत्व रखने वाले धाम रामेश्वरम धाम के दर्शन के लिए। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में के माध्यम से मैं आप सबको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाने के लिए ले चल रहा हूँ, जिसमें मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आप रामेश्वरम धाम कैसे जा सकते हैं, जाने का बेस्ट टाइम क्या रहेगा, वहाँ पर रहने और भोजन की कैसी व्यवस्था है, मंदिर में आप दर्शन कैसे कर सकते हैं, दर्शन की टाइमिंग क्या रहेगी, कुल खर्चा क्या लगेगा और डे वाइज प्लानिंग आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आप अगर रामेश्वरम धाम जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें जिससे यात्रा से संबंधित कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। धाम हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और इसे चार धामों में एक माना गया है। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित एक द्वीप है जो कि एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर से घिरा हुआ एक शंख के आकार का द्वीप है। दोस्तों, जिस तरह भारत के उत्तर में काशी की मान्यता है, उसी तरह भारत के दक्षिण में रामेश्वरम धाम की मान्यता है और इस मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। करेंगे रामेश्वरम आप कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, रामेश्वरम बाई ट्रेन, बाई रोड, बाई फ्लाइट माध्यमों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आप बाई ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो रामेश्वरम का खुद का रेलवे स्टेशन है जो कि लगभग सभी शहरों और राज्यों से कनेक्टेड है। अगर आप के शहर से डायरेक्ट रामेश्वरम के लिए ट्रेन है तो आप यहां आ सकते हैं, और डायरेक्ट ट्रेन अगर नहीं है तो आप पहले मदुरई आ जाइए और मदुरई जंक्शन से रामेश्वरम की जो दूरी है लगभग 170 किलोमीटर है, जिसे आप आसानी से बाई ट्रेन या बाई बस या बाई टैक्सी के द्वारा आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस जर्नी को आप बाई ट्रेन के द्वारा करना चाहते हैं मदुरई से रामेश्वरम तक की, तो दोस्तों आप जिस टाइम मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ उस टाइम पर ये जो ट्रेन सुविधा है वो बंद की गई है। तो दोस्तों, जब भी आप रामेश्वरम दर्शन के लिए आए तो ये कंफर्म कर लें कि मदुरई जंक्शन से रामेश्वरम के लिए ट्रेन चालू है या नहीं चालू है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप बाई बस के द्वारा आप रामेश्वरम जाते हैं मदुरई से, तो उसके लिए आपको लगभग 300 से 350 रुपए का किराया आपको देना पड़ेगा, और अगर आप इस यात्रा को बाई टैक्सी के द्वारा करते हैं तो आपको वहां पर 700 से 800 रुपए पेमेंट करना पड़ सकता है, जिसमें आपका लगभग 3 घंटे का समय लगेगा और आप आसानी से मदुरई से रामेश्वरम पहुंच जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर आप बाई ट्रेन से इस यात्रा को करेंगे तो आपको भारत के सबसे बड़े पुल पंबन ब्रिज से आपको गुजरने का मौका मिलेगा, जिसका काफ़ी शानदार अनुभव रहेगा और काफ़ी खूबसूरत ब्रिज है, तो जिसे आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाई ट्रेन के द्वारा ही इस यात्रा को करें। इसके बाद दोस्तों, अगर आप बाई एयर के द्वारा आना चाहते हैं तो रामेश्वरम का निकटतम हवाई अड्डा आपका मदुरई में ही है जो कि लगभग सभी बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है। तो दोस्तों, आप मदुरई आ सकते हैं बाई फ्लाइट के द्वारा, इसके बाद आप बाई रोड के द्वारा आप रामेश्वरम पहुँच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें आप अगर पर्सनल व्हीकल से आप रामेश्वरम आ रहे हैं तो यहाँ की रोड कंडीशंस जो हैं काफ़ी अच्छी है, तो आप आसानी से मदुरई से होते हुए आप रामेश्वरम आ सकते हैं, इसमें आपकी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। इसके बाद दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आप रामेश्वरम पहुंच चुके हैं, इसके बाद आप वहां पर रहने की क्या व्यवस्था रहेगी। तो दोस्तों, मंदिर के आसपास ही आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस रुकने के मिल जाएंगे, जैसे आप धर्मशाला, होटल या फिर आप रामेश्वरम के ट्रस्ट के द्वारा बने हुए रूम्स में भी आप रह सकते हैं। अगर हम धर्मशाला की बात करें तो आपको धर्मशाला मोस्टली आपको 300 से 500 रुपये के बीच में आसानी से मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें आप अगर मंदिर के ट्रस्ट में रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 3 दिन पहले आपको यहां पर बुकिंग करानी पड़ती है, जिसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। तो दोस्तों, आप www.tnhre.in पर आपको 3 दिन पहले बुकिंग करा लेनी होगी, जिसमें आपका लगभग 500 रुपये का रूम यहां पर प्रोवाइड किया जाता है, 500 रुपये मिनिमम चार्ज रहता है। तो दोस्तों, आप मंदिर के ट्रस्ट में भी रह सकते हैं, और इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसके बाद अगर हम बात करें होटल्स की, तो दोस्तों आप होटल्स में भी स्टे कर सकते हैं, उसका किराया आप पे डिपेंड करता है कि आप नॉन एसी या एसी रूम्स लेते हैं, किस तरीके के रूम्स आप प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 700 से 2000 2500 रुपये तक के रूम आपको आसानी से मिल जाते हैं, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आप किस तरीके का रूम लेना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब हम यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर खाने के लिए आपको मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से भी भंडारा मिल जाता है, और आपको बाहर होटल्स और रेस्टोरेंट में भी खाने की अच्छी व्यवस्था रहती है, जिसमें आप लगभग 200 से 300 रुपये में आप बाहर खाना खा सकते हैं, और मंदिर में ट्रस्ट में अगर आप
भोजन ग्रहण करना चाहते हैं, भंडारा ग्रहण करना चाहते हैं, तो 11 बजे से 3 बजे के बीच में आप वहां पर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आप मंदिर में दर्शन कैसे कर सकते हैं और दर्शन की टाइमिंग क्या रहेगी। दोस्तों मंदिर सुबह 5 बजे से 11 बजे तक खुला रहता है, इसके बाद दोस्तों 3 बजे से रात के 9 बजे तक खुला है। इस बीच आप कभी भी महादेव के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर में दर्शन के लिए जाने से पहले आपको मंदिर के पास लगभग 100 मीटर की दूरी पर अग्नि तीर्थम नामक घाट स्थित है, जहां पर आपको स्नान करना होगा। कहा जाता है जब भगवान राम रावण का वध करके आए थे तो यहीं पर उन्होंने स्नान किया था, जिससे यहां की जो लहरें हैं भगवान राम के चरण स्पर्श करने से काफ़ी शांत हो गई हैं। और कहा जाता है यहाँ पर स्नान करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्नान करके ही मंदिर के लिए दर्शन के लिए जाएं। इसके बाद दोस्तों जब आप मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको 22 कुंड मिलेंगे, जहाँ पर आपको स्नान करना होगा। यहाँ पर आपको पांडव बाल्टी के द्वारा आपको एक एक करके आपके ऊपर जल डालेंगे, जिससे आप वहाँ पर 22 कुंडों में स्नान लेंगे, जिसके लिए वो आपसे लगभग 25 रुपये का चार्ज करते हैं। तो आपको वहाँ पर 22 कुंडों में स्नान करके फिर आगे आपको जाना होगा। दोस्तों जब आप स्नान कर लेंगे उसके बाद आपको गीले कपड़ों में बिल्कुल भी महादेव के दर्शन नहीं करने होंगे, करने नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको कपड़े बदल कर ही महादेव के दर्शन करने होंगे। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे चेंजिंग रूम्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप कपड़े चेंज करके फिर आप महादेव के दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें मंदिर में दर्शन की, तो दोस्तों मंदिर में दो तरह के शिवलिंग स्थापित हैं, जिसमें दोस्तों एक जो कि हनुमान जी कैलाश पर्वत से लाए थे, दूसरा जो सीता माता ने रेत से बनाया था। तो दोस्तों जो सीता माता ने रेत से बनाया था उसे मुख्य शिवलिंग जाना जाता है, उसे मुख्य शिवलिंग कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप दोनों शिवलिंग के दर्शन कर पाएंगे आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टिकट लेना होगा और आप शीघ्र दर्शन भी कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो कॉरिडोर बनाया गया है वो भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है, जिसके गलियारे और जो खंभे और कलाकृति है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और मनोहक है, जिसे देखकर आप काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नचित हो जाएंगे। तो दोस्तों आप पूरा कॉरिडोर घूम सकते हैं और मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि आप वहाँ पर और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आपका पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है, जिसमें बजरंग बली की आपकी हनुमान जी की काफ़ी विशाल प्रतिमा की पूजा की जाती है। इसके बाद आपकी नंबू नाइकी मंदिर है, जहाँ पे आपकी पार्वती माता स्थापित हैं, वहाँ पर आपकी पार्वती माता की पूजा की जाती है। कहा जाता है जो कि संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर जिनकी समस्या होती है संतान से प्राप्ति की, तो वो यहाँ पर जाकर माता पार्वती के दर्शन करते हैं और उनकी ये समस्या वहाँ से दूर हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आप साक्षी हनुमान मंदिर जा सकते हैं, जो कि मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और फिर इसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो आप सर कलाम स्मारक जा सकते हैं, वहाँ पर जाके आप कलाम सर को आप श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप वहाँ पर धनुषकोड़ी जा सकते हैं, जो कि लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है रामेश्वरम से, जिसे आपका लास्ट लैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत की आखिरी छोर से माना जाता है धनुषकोड़ी को। काफ़ी ज़्यादा सुंदर और मनोहक जो यहाँ का दृश्य रहेगा, आप जाके वहाँ पर काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। दोस्तों धनुषकोड़ी भी आप जरूर जाएँ। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें आपको रामेश्वरम दर्शन के लिए आपको कब जाना चाहिए, तो दोस्तों आप नवंबर से लेकर आप मार्च तक आप कभी भी आप दर्शन के मौसम में आपको रामेश्वरम के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि साउथ इंडिया में आपका जो कि अप्रैल के बाद में आपकी गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी वहां पर घूमने टहलने में। तो आपको लगभग जो बेस्ट टाइम रहेगा वो आपका नवंबर से मार्च के बीच का जो टाइम रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है दर्शन के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें वहाँ पर कि आप जो मंदिर हैं साइट सीन से वो कैसे कर सकते हैं, तो आप बाई ऑटो के द्वारा वहाँ पर साइट सीन कर पाएंगे, जिसमें आपका लगभग किराया जो रहेगा वो 800 से 1000 रुपये रहेगा। आप थोड़ी सी बार्गेनिंग कर लेंगे तो आपको अच्छे रेट पर वहाँ पर एक ऑटो मिल जाएगा, हायर कर लेंगे और आप सारी जगह वो आपको वहाँ पर टहला देगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें डे वाइज प्लानिंग की, तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से प्लान करना है कि आप मॉर्निंग में सुबह जो है रामेश्वरम पहुँच जाएँ या फिर दोपहर तक रामेश्वरम पहुँच जाएँ, उसके बाद आप रूम वगैरह ले लीजिए आराम से। और रूम जो रूम आपको मिलेगा लगभग वो आप मान के चलिए 500 का आपका रूम मिल जाएगा, वहाँ पर धर्मशाला आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप मंदिर के लिए जा सकते हैं दर्शन के लिए, तो आप घाट पर नहाइए और उसके बाद आप दर्शन करिए, और फिर उस दिन आप जो आसपास के टेंपल हैं जैसे हनुमान मंदिर वगैरह आप घूम सकते हैं। और सेकेंड डे आप धनुषकोड़ी जा सकते हैं,
जिसके लिए आप ऑटो हायर कर सकते हैं। और ऑटो हायर करने के लिए आप लगभग आप मान के चलिए 1000 रुपये अगर ऑटो वाला लेता है तो आप ऑटो हायर कर लीजिए और आसानी से वहाँ पर आसपास घूम के आइए। तो आपका लगभग जो यहाँ पर डे आपके लगेंगे, लगभग जो आपको दिन चाहिए वो लगभग केवल 2 दिन चाहिए और आप आसानी से रामेश्वरम आसानी से घूम पाएंगे। तो दोस्तों इन 2 दिनों में अगर हम खर्चे की बात करें तो दोस्तों अगर आप रूम लेते हैं तो रूम का किराया मान के चलिए 500 रुपये रहता है। फिर अगर आप साइट सीन्स के लिए आप ऑटो करते हैं तो उसका किराया 1000 रहेगा। और पर डे अगर मैं भोजन की बात करूं तो अगर आप मंदिर में खाते हैं तो फ्री रहेगा। अगर आप मंदिर में नहीं खाते हैं तो आप एक दिन का आप मान के चलिए 500 रुपये अगर आप खाने पर खर्च करते हैं तो 2 दिन का आप मान के चलिए आपका 1000 रुपये खाने पर, 1000 रुपये आपका ऑटो पर और 500 रुपये आपका वहाँ पर रहने के लिए खर्च हो जाता है। तो इससे कुल मिलाकर आपका 2500 रुपये खर्च होता है। और इसके बाद अगर हम आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वहाँ पर खर्चा करना चाहते हैं, बट अगर आप मिनिमम खर्चे में आप रामेश्वरम यात्रा करना चाहते हैं तो आप 2500 या 2000, 2 से 2500 रुपये में आप आसानी से इस यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने रामेश्वरम यात्रा से रिलेटेड सभी तरह की जानकारी कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी यहाँ पर रह जाती है मुझसे तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसका मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपकी एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को। तो दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद करना चाहता हूं और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।